मेरे 3 बच्चे हैं। पहली बेटी है, इसकी उम्र 9 साल है और क्लास 5 में है। दूसरा बेटा है जो क्लास 2 में है, जो अभी शुरू हुई है। तीसरी बेटी मरियम है, जो छोटी है और क्लास प्रेप 2 में है। आसिफ से मुलाकात रोज़ाना स्कूल आने जाने में हुई। जब उन्होंने मुझसे अपनी पसंद का इजहार किया तो मैंने मना किया, बिल्कुल भी नहीं। और इन्होंने मुझसे कोशिश करने को कहा। मुझे नहीं मालूम मेरी अम्मी सियालकोट में है। मैं नहीं जानती कि वो हेयरिंग या डेफ से मेरी शादी करेंगी। 1 साल 2 साल कोशिश के बाद, जो कि बहुत मुश्किल था मेरे अब्बू को मनाना, इनकी सोच थी किसी हेयरिंग से मेरी शादी कराना। अम्मी सोचती थी कि तुम्हारे अब्बू से बात कैसे शुरू करूं। मेरी बड़ी बहन ने इन्हें समझाया कि नहीं, किसी हेयरिंग से नीलम का दिमाग मिल नहीं सकता। ये लोग आपस में इशारों में बातें करते हैं, नीलम के लिए डेफ ही ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मुझे बहुत सोचने के बाद कहा कि चलो ठीक है, जाओ हाँ कर दो। जब हमने हाँ की फ़ोन पर, तो सभी फैमिली खुश हो गई और बस हमारी शादी हो गई और हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजर रही है। टीचिंग कैसे करते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ये और वो कुछ भी तो समझ नहीं आता था। कैसे स्केड्यूल मनाना है, प्लानिंग कैसे करनी है, पढ़ाने का क्या तरीका है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ क्लास बदलती चली गई और 1 साल के अरसे में मैं सब कुछ समझ गई। मैंने यहाँ से 6 महीने की ट्रेनिंग भी ली और अब आसानी के साथ पढ़ा रही हूँ। कभी कभी मुश्किल होती थी तो बच्चों को समझाने के लिए मैं फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी। ये तरीका बार बार दोहराया जाता है और बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं। यही डेफ को पढ़ाने का एक तरीका है जो साल ब साल से पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे बार बार फेल होते थे या पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते थे, मैंने उनको बहुत समझाया कि आपको बार बार फेल होना अच्छा लगता है क्या। मैं कभी भी गुस्सा भी करती थी कि अगर पढ़ोगे नहीं तो कामयाब कैसे होगे। हंसते रहो और पढ़ते रहो। बच्चों ने इस बात को समझा और मुझसे सॉरी भी किया और बड़ी खुशी के साथ पढ़ाई शुरू की। अच्छा पढ़ने पर मैं इन्हें टॉफी भी देती हूँ, इससे दूसरे बच्चे भी कोशिश करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ।